गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकाला जाता है। और ये एक्चुअली हमारे जो मित्र हैं उनके स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए, इंजॉय कीजिए और कुछ सीखिए। अगर कुछ नया सीखने को मिले तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। मतलब हम लोग जब रास्ता में चलते हैं, अचानक सडनली बारिश शुरू हो जाती है, तो बारिश जनरली परपेंडिकुलर टू ग्राउंड लेते हैं, गिरता है। और हम लोग को जब चलना होता है तो छाता को कुछ एंगल में हम लोग होल्ड करते हैं, इस तरह से होल्ड करते हैं, तो या इस तरह से होल्ड करते हैं। किस तरह से होल्ड करेंगे तो उसी पे ये क्वेश्चन है। और चूंकि बारिश भी मूविंग है और मैन भी मूविंग है, तो मान लेते हैं कि ये वही साउथ ईस्ट वाला, ईस्ट इसको वेस्ट, इसको साउथ नॉर्थ, साउथ मान लेते हैं। नॉर्थ साउथ तो यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर टॉप टू बॉटम ग्राउंड की तरफ बात हो रहा है। तो मान लेते हैं कोई मैन मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, सम वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी, विथ सम वेलोसिटी, मान लेते वी एम, एम फॉर मैन, मैन का वेलोसिटी एम से डिनोट किया, वी मैन, वी एम इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन। और हम लोग का जो रेन ऊपर से गिर रहा है वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस तरह से इसको हम लोग ले लेंगे। ये भी सब कुछ वेलोसिटी होगा इसका, तो वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर मान लेते हैं। तो ये दो वेक्टर है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, मतलब टॉपिक में ही बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब क्या हुआ कि कंपेयर करना है। जब कंपेयर करने की बात आती है, रिलेटिव वेलोसिटी का बात हो रहा है, कंपेयर करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको हम लोगों को स्टेशनरी मानना पड़ता है, स्टेशनरी बनाना पड़ता है। तो अगर कोई मैन वेस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है विथ सम स्पीड, तो इसको हम लोग को स्टेशनरी करने के लिए सेम अपोजिट वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी चलाना पड़ेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेशनरी हो गया, ठीक है। इसको अच्छा से समझने के लिए, अगर कोई कोई मूवमेंट, कोई गाड़ी मूव करता है, व्हीकल मूव करता है, मान लीजिए सम वेलोसिटी 5 किलोमीटर प्रति पर आवर, और दूसरा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मानिए मूव कर रहा है, जैसे मानिए आप दो दोस्त एक साथ मूव कर रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति स्पीड से, पर आवर का स्पीड से, तो आपस में आप दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 0। कैसे निकाले, तो 5 - 5 कर दिए। अब मानिए आपका वेलोसिटी, आपके दोस्त, आपका वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर घट गया, तब क्या देखते हैं कि आपका सामने वाला दोस्त सबसे आगे निकलने लग गया। तो क्यों आगे निकला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू ज़्यादा है, मतलब 5 - 4 किए तब वो 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ज़्यादा अचीव कर लिया, आपसे आगे निकल गया, ठीक है ना। और मान लीजिए ये और कम हुआ, 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू आप निकाल रहे हैं, अपने आप को एज अ स्टेशनरी मान रहे हैं, माइनस, आप भी तो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन क्या है, आपका स्पीड को आप माइनस कर रहे हैं, आप अपने आप को स्टेशनरी मान रहे हैं, तब एक्चुअल में उसका वेलोसिटी तो 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन
आपके कंपेयर में कितना है, तो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो इसमें इस प्रॉब्लम में भी उसी को सॉल्व लगाएंगे हम लोग, इसी ट्रिक को लगाएंगे। क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन का स्पीड को हम लोगों को स्टेशनरी करना होगा। स्टेशनरी करने का क्या तरीका है कि उसको माइनस कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन में, अगर लिखेंगे कैसे, माइनस वी एम। ठीक है, अब छाता को हम लोग किस डायरेक्शन में रखेंगे ये बताएगा क्या, उसका रिजल्टेंट मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये देखिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इधर से हम लोग खेत में देखे हैं, खेत में इस तरह से देखे होंगे, एक पॉन्ड से पानी निकालना है, एक आदमी इधर से खींच रहा है रस्सा लगा के, दूसरा आदमी इधर से रस्सा लगा के खींच रहा है, तो क्या होगा, बाल्टी से यहाँ बाल्टी बांध देता है और पानी किधर से निकल जाएगा, इसे निकल जाएगा। ठीक है, ये सारा वेक्टर का रिजल्टेंट फोर्स का कमाल है। तो इस तरह से ये क्या निकल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये वैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग को छाता जो है इसी डायरेक्शन में रखना होगा, दिस इज छाता, छाता इस डायरेक्शन में से होल्ड, ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और कितना डिग्री के एंगल में, तो ये थीटा के एंगल में रखना होगा, ये थीटा, थीटा फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से हम ऐसे छाता को रखते हैं ना कि इस तरह से रखते हैं, तो वर्टिकल से कितना डिग्री में रखेंगे छाता को, तो कैसे निकालेंगे इसका क्या, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर प्लस टू वी एम वी आर कॉस थीटा। थीटा कितना है दोनों के, एंगल दो, एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इज 90 डिग्री का रूट, तो वेलोसिटी कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर का रूट। ठीक है, और एंगल का बात करें, ये एंगल जो छाता का एंगल हम किस एंगल में रखेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको ओ बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको इस तरह से, इसको अगर मिला दें, इस तरह से मिला दें, तो थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू वी आर पी बाई बी, दैट इज वी एम बाई वी आर, वी एम बाई वी आर। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर। बोलता मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब रेन जो है ऊपर से गिर रहा है वर्टिकली कितना स्पीड से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही चीज तो मेन है, विद रिस्पेक्ट टू मैन किसका, रेन ड्रॉप का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर एम निकालना है, ये फाइंड करना है, कैसे निकलेगा, इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो देख लीजिए, मान लीजिए वो एक्सिस सेंटर मान लिए और रेन गिर रहा है ऐसे, ये वी आर हो गया,
मान लीजिए मैन चल रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज ओ ए वी मैन हो गया। अब मैन रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन का निकालना है मैन के कंपेयर में, ना कि मैन का निकालना रेन के कंपेयर में, तो होगा क्या, मैन को माइनस करना पड़ेगा वेलोसिटी को, तो ये माइनस वी एम कर दिए, ये वाला वेक्टर इसको मान लिए, इसको ए मान लिए, तो इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो वी आर इस डायरेक्शन में होगा वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और छाता जो है हमारा इस तरह से खुलेगा, देखिए छाता बना दिए। अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो v रेन का स्क्वायर प्लस v मैन का स्क्वायर प्लस 2 v r v m cos 90 डिग्री का रूट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, इसीलिए 90 डिग्री, तो v r 4 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस ये पूरा टर्म जीरो हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 9 दैट इज 25, तो आपका हो गया आंसर v वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर, और एंगल का बात करें तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा निकालिए इससे, tan theta p by b, that is v of man velocity of man by velocity of rain निकालना है, तो velocity of man दिया 3 by 4, तो theta tan का कौन सा मान 3 by 4 होगा, ये 3 है, ये 4 है, ये बड़ा ये छोटा 37 degree, तो theta equal to tan inverse 3 by 4 मतलब अप्रॉक्स जो है वो 37 degree के बराबर होगा, मतलब वर्टिकल से 37 degree हम लोग छाता को रखेंगे तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा का रेंज है जब हम लोग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, तो इस तरह से इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा।